नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत गिरी इस सोशल मीडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं तो भगवान श्री गणेश बुद्धि के देवता हैं। ज्ञान और बुद्धि में सूक्ष्म अंतर है, पर इतना याद रहे कि बुद्धि बगैर ज्ञान बेकार है। ज्ञान अगर तलवार है तो बुद्धि उसकी धार है, और तलवार को सही से चलाना चतुराई है। ज्ञान जितना भी हो जाए, ज्ञान को अगर प्रेजेंट करने की बुद्धि नहीं है तो ज्ञान धारा का धारा रह जाता है। आज बुधवार का दिन है, गणेश जी को समर्पित है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं, जो सारे दुखों को और कष्टों को हरते हैं। जीवन में आने वाली सारी बाधाएं, मुसीबतों, रोग, शत्रु और दरिद्रता को दूर करते हैं। तो भगवान श्री गणेश को हम याद करते हैं। ओम गम गणपतये नमः, ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम, कपित जम्बूफलचारी भक्षणम, उमा सुप्तम शोक विनाशकारकम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान गणेश जी माँ पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं। रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश जी की अर्धांगिनी है, और शुभ और लाभ इनके पुत्र हैं, और गणेश जी के बड़े भाई कार्तिक जी हैं। गणेश जी रास्ते में पड़े सारे परेशानी, मुसीबत और तकलीफों को तुरंत दूर करते हैं। भगवान गणेश जी प्रथम स्मरण में ही कार्य को निर्विघ्न संपन्न करते हैं। गणेश जी को वरदान मिला है कि बिना इनकी पूजा के कोई भी कार्य, कोई भी काम पूरा नहीं होगा। इसी कारण गणेश जी को आदि पूज्य भी कहा जाता है। आदि पूज्य का मतलब होता है सर्वप्रथम, शुरू में, आरंभ में जिनकी पूजा की जाती है उन्हें आदि पूज्य कहते हैं। और किसी भी काम के लिए, शुभ कार्य के लिए, शादी विवाह में सबसे पहले गणपति का ही पूजा की जाती है, उन्हीं को सुमिरन किया जाता है। कहते हैं वक्रतुंड महाकाय शूर कोटि संप्रभ निर्विघ्नम क्रू में देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश कार्य को बिना किसी बाधा के संपन्न करते हैं। भगवान गणेश विघ्न बाधा को हरने में, नाश करने में सबसे आगे हैं। इसीलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता या विघ्न नाशक भी कहते हैं। आदि पूज्य को कई नामों से जानते हैं। गणेश, जिसका अर्थ होता है दोनों का ईश्वर, और दोनों के स्वामी होने के कारण इन्हें गणपति भी कहा जाता है। गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान परशुराम के फरसे के वार से गणेश जी का एक दांत टूट गया था, इसी वजह से गणेश जी को एक दंत भी कहते हैं। गणेश जी को लंबोदर भी कहा जाता है। भगवान श्री गणेश जी के लंबे पेट वाले हैं और खाने के बड़े शौकीन हैं। इनके पेट में सब कुछ समाया हुआ है, इसलिए इन्हें लंबोदर के नाम से भी जानते हैं। गणेश जी को वक्रतुंड भी कहा जाता है, और वक्र का अर्थ होता है मुड़ी हुई, और तुंड का अर्थ होता है सूर। गणेश जी को हाथी का मुख होने के कारण और उनकी सूंड मुड़ी है, इस वजह से गणेश जी को वक्रतुंड भी कहा जाता है। गणेश जी को विघ्न नाशक भी कहते हैं। भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं, साथ ही साथ वो विघ्न का नाश करने वाले हैं, इसीलिए इन्हें विघ्नहर्ता या विघ्न नाशक भी कहा जाता है। गणेश जी को गजानन भी कहा जाता है, क्योंकि हाथी जैसा मुंह होने के कारण इन्हें गजानन कहा जाता है। गणेश जी के कई सुंदर और भी नाम हैं, गणनायक, विनायक, सिद्धि विनायक, उमासुत, गौरी नंदन, शंकर सुमन, मंगलमूर्ति, और भगवान गणेश का कुल 108 नाम है। भगवान गणेश जी विद्यार्थी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। गणेश जी अपने भारी भरकम शरीर
को लेकर मूसक यानी चूहे की सवारी करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बुद्धि हमेशा तर्क पर चलती है और भगवान गणेश विद्या बुद्धि विनय और विवेक में सबसे आगे हैं। गणेश जी को लिखने का विशेषज्ञ भी कहा जाता है। गणेश जी 3 वर्ष लगातार महान ऋषि वेद व्यास जी के साथ मिलकर महान ग्रंथ महाभारत को लिपिबद्ध किया। महाभारत जैसे ग्रंथ को बिना रुके 3 साल में गणेश जी ने पूरा किया। जब भगवान गणेश जी महाभारत लिख रहे थे उसी समय उनकी कलम टूट गई और कलम टूट गई तो उन्होंने अपना टूटी हुई दांत को दोबारा तोड़कर फिर महाभारत को पूरा किया। भगवान गणेश जी अपने बुद्धि के परिचय कई बार दिया है। माँ पार्वती और भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिक और गणेश की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। दोनों ने अपने पुत्रों को दुनिया का 3 बार चक्कर लगाने के लिए कहा और विजेता के को इनाम के रूप में सबसे स्वादिष्ट फल देने का वादा किया। यह सुनकर कार्तिक जी ने अपने मोर पर बैठकर दुनिया का भ्रमण करने निकल पड़े। लेकिन दूसरी ओर भगवान गणेश जी अपने माता पिता के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। जब इस बात का कारण पूछा गया तो वो बोले कि उनका संसार स्वयं उनके माता पिता हैं, वे समस्त संसार का भ्रमण क्यों करें। इस प्रकार भगवान गणेश अपने बुद्धि और विवेक का परिचय दिया। मैं यहाँ भगवान गणेश जी को सिंबलाइज करने का कोशिश करता हूँ कि कैसे प्रेरणा का स्रोत हैं भगवान गणेश। गणेश जी का बड़ा सिर हमें हमेशा प्रेरणा देता है कि हमें बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा सपने देखना चाहिए और बड़ा काम करना चाहिए। और भगवान गणेश जी का बड़ा कान हमें ये प्रमोट करता है कि हमें केयरफुली ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए नए आइडियाज़ को और नए सजेशन को। भगवान गणेश जी का आँखें नैरो आइज हैं, ये हमें ये बताता है कि हमें अपने काम पर बिल्कुल फोकस होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और गलत बातों को इग्नोर करना चाहिए। गणेश जी का छोटा मुंह हमें याद दिलाता है कि हमें कम बोलना चाहिए और ज़्यादा सुनना चाहिए। गणेश जी का लॉन्ग नोज जो है हमें यह बताता है कि हमें अधिक से अधिक ज्ञान लेना चाहिए। और गणेश जी का बड़ा पेट हमें यह बताता है कि हमें हर चीज़ को डाइजेस्ट करना चाहिए, हर चीज़ को पचाने की क्षमता होना चाहिए और अपना समय दूसरे के गलत बातों पर नहीं देना चाहिए। ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः। सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय गणेशाय नमो नमः। माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती दोनों ही आदि शक्ति हैं, यानी माँ दुर्गा का ही रूप है और माँ लक्ष्मी की पूजा उनके बेटे गणेश जी के बिना नहीं की जाती है, क्योंकि लक्ष्मी जी का वैल्यू जो है वही समझ सकता है जिसके पास बुद्धि हो और बुद्धि के देवता गणेश जी हैं और गणेश जी बुद्धि का मानक है, इसीलिए हमेशा माँ लक्ष्मी का पूजा गणेश जी के साथ की जाती है। आपको याद होगा कि सन 2011 में KBC कौन बनेगा करोड़पति में सुनील कुमार मोतिहारी का एक लड़का होता है। ज्ञान के बल पर उसने KBC से 5 करोड़ रुपया जीतता है और उसको टैक्स काट कर 3.6 करोड़ रुपया मिलता है, लेकिन वो बुद्धि के अभाव में उसका फटेहाल हो गया, पैसा भी खत्म हो गया और वो दूध भी बेचने लगा। ज्ञान तो था, ज्ञान होने के कारण से उसने KBC से 5 करोड़ रुपया कमाया, पर बुद्धि नहीं था कि वो लक्ष्मी जी को संभाल पाए। इतना फटे हाल हुआ कि दूध बेचने लगा और नशा भी करने लगा। किसी तरह वो आज के डेट में BEd करके 18 से 20 हज़ार की नौकरी कर रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि बुद्धि के बगैर ज्ञान बेकार है। लक्ष्मी जी आई पर बुद्धि नहीं था उसको वो संभाल नहीं पाया,
इसलिए माँ लक्ष्मी का पूजा हमेशा गणेश जी का साथ की जाती है। भगवान गणेश जी आपके हर कार्य को मंगल करें, शुभ करें। आप सभी का उज्जवल भविष्य की मैं मंगल कामना करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।